हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से, रेटिना कंसल्टेंट है आप मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहले सवाल देखिए, आंखों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं हम उनको लेकर के सवाल भी पूछ रहे हैं। अब तक हम ये भी जान चुके हैं कि स्क्रीन टाइम के बाउंडेशन के तहत हम कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखें, डाइट में भी मैम ने जैसे बताया कि डाइट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर ऋचा ने भी ये बताया कि किस तरीके से हमें अपनी आंखों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जब हम डाइट का जिक्र करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम खाते हैं हर रोज अपने डाइट में शामिल कर ले तो हमारी आंखें बिल्कुल हेल्दी रहेंगी? देखिए, डाइट अपने आप में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, और उन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये कि यदि हम अपना हमारा शरीर यदि स्वस्थ नहीं है, अगर हम लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो हम उसके हिसाब से ही जो हमें डाइट एडवाइस की गई है वो डाइट लें, और साथ ही साथ नियमित रूप से व्यायाम करना भी हम सब लोगों के लिए एक उम्र के बाद में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और फिर हम अपने बाकी शरीर के संरचना को देखते हुए अपनी आंखों को भी स्वस्थ रखें। यानी कि डॉक्टर अभिषेक को आपने सुना ध्यान से, तो डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखिए, लेकिन व्यायाम जरूर कीजिए, आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, हेल्दी खाने खाइए, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, तभी आप पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे, ना सिर्फ आंखें बल्कि पूरे शरीर को आपको फिट रखने की जरूरत है।